अब पता चला शासन क्या होता है, पुलिस वही है जो भैंस खोजती थी, आजम खान की भैंस खोजती थी, आज वही पुलिस है अपराधियों की बजा रही है और बजाती रहेगी। सुन लो, जितने गुंडे माफिया अपराधी हो उत्तर प्रदेश में, ये डर होना चाहिए, ये अपराधी कहाँ कहाँ नहीं भाग के गए थे। ऐसा एसटीएफ बनाया, ऐसा बाबा ने ऐसा एसटीएफ बनाया था, एकदम नौजवानों को, छड़े नौजवानों को, ये वादा किए थे कि 5-5 लाख रुपए का इनाम था, लाओ हम तुमको 5 के जगह पर 20 लाख रुपया देंगे, लेकिन आज दिया ना, अभी दिया ना एसटीएफ को, धन्यवाद योगी जी ने, हाँ योगी जी ने दिया ना, ये होना चाहिए। बाबा जी जो कहते हैं वह तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं, वो डेफिनेटली करते हैं, बाबा हैं भाई, बाबा हैं। जिस समय तुम लोग गोली चला रहे थे गलियों में उमेश पाल के ऊपर, दौड़ा दौड़ा के, दो पुलिस वाले भी थे, भगा भगा के मार रहे थे उनको, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था, लग रहा था फिल्म की शूटिंग हो रही है। क्यों आज मज़ा आ रहा है? आज तो पेंट में मूत दिए यार कि तुमको जेल में बिठा के और खिलाएंगे और खूब आराम से मज़े से वहाँ से, ये इसका बाप, हाँ बिरयानी खिलाएंगे, वो देवरिया में था ना, देवरिया कोर्ट, देवरिया में कानपुर से उठवा लिया था और वसूली किया, उसकी ज़मीन लिखवा लिया करोड़ों की, उससे वसूला, उसको इस तरह जेल में मारा। भाई बाबा का शासन है लेकिन सिस्टम तो वही है ना भाई, पुराने ही लोग हैं, ये मान के चल रहे थे कि भैया कुछ भी हो जाए हमारे पास रुपया है, अधिकारियों को खरीद लेंगे और जो मर्जी होगा वो करेंगे। देखे नहीं, ये दो जेलरों को अभी सस्पेंड किए हैं, वो मुख्तार के बच्चे के बीबी का क्या देख रहे हैं, हाँ हाँ, उसके साथ रात में गलबहियाँ मिल, मैंने समझ लो मियाँ बीबी की तरह से सो रहे हैं रात में जेल में, तो इनको रखने से क्या फ़ायदा, ये वही होगा सिस्टम, तो सिस्टम में तो वही बैठे हुए हैं। बाबा का सीधा सीधा बात है कि बाप तुम्हारा जोगी है, समझ रहे ना, बिल्कुल ठोक बजा के ठीक कर देंगे बाबा, बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा का एक मिशन है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहनें हैं 12 बजे रात को अगर वह घर से निकल रही हैं तो वह अपना जेवर, पूरे शरीर में जेवर पहन के निकलती है, तो वह निडर होकर निकले, किसके वजह से, बाबा बुलडोजर जिंदाबाद। और अपराधी अगर अपने घर से निकलता है तो उसकी रूह कांप जाए कि बाबा बुलडोजर कहीं आ न जाए, ये डर होना चाहिए। इसी को शासन कहते हैं, इसी को सत्ता कहते हैं, इसी की शासन सत्ता का हनक कहते हैं। ये अपराधी कुछ समझ रहे थे, किसी से डरते थे? वो राजू पाल की माँ, राजू पाल की बहन, उन गलती क्या थी, हाँ उमेश पाल, अरे राजू पाल की भी हत्या करवाया था ये, वहीं से उसी का गवाह ना उमेश पाल था, राजू पाल की विधवा का को रोते रोते क्या हाल हो गया, और 140 मुकदमे जो अतीक अहमद पे हैं यह सब उन्हीं के गुर्गे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान अगर कामयाब हो जाता है तो वह अपने बेटे को चाहता है कि मैं जिस दलदल में हूँ, मैं जिस अपराध में हूँ, उसमें हमारा बेटा ना आए, पैसे से उसको दे के डॉक्टर बना देता है, उसको इंजीनियर बना देता है, उसको बड़ा अधिकारी बना देता है, मैंने एक नेक इंसान, कौन अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाता है, 47 चलाना सिखाता है, कौन अपने बच्चे को राइफल चलाना सिखाता है, इनको जमीन में गाड़ देना चाहिए। इनको बड़े बड़े नेता हैं भाई साहब, जो इनको टिकट भी देते थे अपने अपनी पार्टी, वो तो देंगे ही भाई, तो उन्हीं के ये सारा कांड कराए हैं राम गोपाल यादव। जब अतीक का जो शुरुआत हुआ था, जब बाबा कहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, दूसरे दिन राम गोपाल यादव ने कहा कि अब अतीक का बेटा बचने वाला नहीं है, बाबा जरूर उसको मरवा देंगे, वो टोंट कस रहे थे। तो भैया राम गोपाल जी आप तो ज्योतिषी हो गए, और वैसे भी आप अखिलेश के चाचा हैं। गवर्नमेंट ने वो क्या किस लिए दे रखी है? नहीं वो नहीं, इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे भाई, कर दिया, दबा के किया, दबा के करना चाहिए और करना चाहिए। अभी तो एक एक का हिसाब लिया जाएगा, बुलडोजर। यह देखिए ईश्वर की कृपा, साबरमती से इलाहाबाद में ही है, वो मट्टी देने के लिए भी कहा, भुकार पार के रो रहा है, जितने रो रहे हैं, हाँ को हाँ रो मार दिया, क्यों तुम
कितने लोगों को मारे हो, कितने कितनों की जमीन कब्जा किए हो, कितने हत्या किए हो, कितने जबरदस्ती उठवा लेता था भाई साहब। हाँ जज केस नहीं लेना चाहता था, पुलिस की हालत खराब हो जाती थी, कोई मिलने नहीं जाता था। ये उस तरह का आदमी है, इतना दहशत था कि अतीक का नाम ही काफी था। जिस तरह से वो डायलॉग है ना कि रात को जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, उसी तरह से पूरा पूर्वांचल में वही हाल था इसका। अब पता चला शासन क्या होता है, पुलिस वही है जो भैंस खोजती थी, आजम खान की भैंस खोजती थी, आज वही पुलिस है अपराधियों की बजा रही है और बजाती रहेगी। सुन लो जितने गुंडे माफिया अपराधी हो उत्तर प्रदेश में, ये डर होना चाहिए। देख लीजिए आज बिहार में आज डकैती हुआ है, दो अपहरण हुए हैं, दो मर्डर हुए हैं, और वो मुख्यमंत्री आके दिल्ली में गठबंधन बना रहे हैं। तो अंतर है साहब, अंतर है साहब, भगवाधारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तभी तो 30 लाख करोड़ आता है, तभी तो अंबानी से लेके और देश के कोने कोने से लोग आके और उत्तर प्रदेश में दुनिया भर का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है, वह ये जंगल राज थोड़ा बनाना है। ये अपराधी कहाँ कहाँ नहीं भाग के गए थे, ऐसा SDF बनाया, ऐसा बाबा ने ऐसा SDF बनाया था, एकदम नौजवानों को छड़े नौजवानों को। ये वादा किए थे कि 5-5 लाख रुपये का इनाम था, लाओ हम तुमको 5 के जगह पर 20 लाख रुपया देंगे, लेकिन आज दिया ना, अभी दिया ना SDF को, धन्यवाद योगी जी ने। हाँ योगी जी ने दिया ना, ये होना चाहिए। उमेश पाल की माँ भी कह रही है कि योगी जी के घर में देर है, देर नहीं। तो कितना रोई है वो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है माँ के सामने बेटे की लाश, बाप के सामने बेटे की लाश, इस धरती पर इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। और पता नहीं कितने माओं का ये लाल उजाड़ दिया, कितने औरतों का सुहाग उजाड़ दिया, कितने बहनों का राखी खींच लिया, कितने लोगों की हत्या हुई, 140 मुकदमे हैं इसके ऊपर, हत्या अपहरण बलात्कार छिनैती क्या नहीं है। ये गवर्नमेंटों को नजर नहीं आता था क्या? अरे भाई इन्हीं के बल पे तो उनको वोट मिलता था और उसी के बल पे राजनीति करते थे, यही नोटिया कौन वसूल के देगा चुनौवा के लिए। और हर जिले में जो कोई अगर विरोध करता था तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता था, बुला लिया जाता था। अखिलेश यादव का ट्वीट आ चुका है, कह रही है BJP एनकाउंटर के बहाने सच्चे मुद्दे छुपा रही है। कौन सा सच्चा मुद्दा साहब, कौन सा सच्चा मुद्दा, तो गले में लेकर घुमाइए इनको। चुनाव आ रहा है 2024 में, उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे। आप जो इन माफियाओं को पाल कर रखे थे, हम जानते हैं आपका संरक्षण था, आपका पूरे परिवार का संरक्षण था, आपके पूरे पार्टी का संरक्षण था। आप यही तो सिखाए हैं उत्तर प्रदेश को, जो रामकृष्ण की धरती है, वहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, वहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहाँ उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, वहाँ विकास की योजनाएं होनी चाहिए, नई नई फैक्ट्री लगनी चाहिए। तो और का कैसे लगेगा, क्यों उत्तर प्रदेश से लोग बाहर जाते हैं और तरह तरह की परेशानी, और क्यों गिरी अब तक, जब तक बाबा नहीं आए थे तब पिछड़े राज्यों में था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही के बाप थे, शासन सत्ता में लगातार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आप भी रहे, क्या दिया आपने? ये अपराधी किसकी पार्टी में पैदा हुए, कौन टिकट देता था, किसने नेता बनाया इनको, जवाब देंगे? तो राम गोपाल जानबूझ के मरवा दिया अतीक को। भाई चाचा की बात तो योगी जी टारेंगे नहीं, भाई अब अखिलेश के चाचा हैं तो योगी जी के भी एक तरह से सीनियर हुए, पहले से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अतीक का बेटा मार दिया जाएगा, तो बाबा जी ने मार के दिखा दिया। ये चैलेंज लेते हैं बाबा। उस दिन बाबा जी पे भी तो सवाल उठ रहे थे, जिस दिन खुलेआम एनकाउंटर हो रहा था उमेश पाल का, उस दिन भी तो बाबा कहते कि लो एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर दिया, तो आज एनकाउंटर कर दिया तो दुख हो रहा है इन लोगों को। हाँ तो दुख होगा नहीं, वही करवाए थे भाई, इन्हीं लोगों का संरक्षण था, लॉ एंड ऑर्डर बाबा जो टाइट करके रखे हैं, लगातार जो बजा रहे हैं इनकी, एकदम देखे किसी को छोड़े नहीं है। तो सारे अपराधी इस समय स्लीपर सेल में, या तो जेल में रहो नहीं तो प्रदेश छोड़ दो, सीधा सीधा बाबा का आदेश था। और सारे अपराधी जो हैं वहाँ वो बिल्कुल दुबक के बैठे हुए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मजाक थोड़े है यार, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, कानून है, दिन में आएंगे और किसी को दौड़ा के गोली मार देंगे,
वो भी दो दो पुलिस वालों को, और उस व्यक्ति का जो कानून की रखवाली के लिए वो अपना गवाही देने जा रहा है, गवाह को मार देंगे। वाह, लग रहा है उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था ही नहीं है। अरे व्यवस्था है, अगर हनक हो ना तो बड़ों बड़ों को ठीक कर सकती है पुलिस। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अपराधी का बेटा भी अपराधी, कल उसका बेटा अपराधी, फिर उसका बेटा अपराधी, क्यों भाई? मोदी जी तो मुसलमानों के हाथ में बोले एक हाथ में कुरान और एक हाथ में एक लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत है। नहीं, और ये लोग हथियार पे हथियार, भाई इनका घमंड है, वही तो इसीलिए तो कह रहे थे कि पेंट में मुंह दिए, और ये बड़े 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 ताजमहल बनवाए, ये किए, 900 साल राज किए, ये जो घमंड है ना बाबा इनकी बजा रहे हैं। आज कहे पेंट में मुंह रहे हो, कहाँ गया वो ताकत? संभल जाओ, सुधर जाओ, बाबा का साफ आदेश है, ठीक से रहोगे तो ठीक से करेंगे, और नहीं बेठीक रहोगे तो पूरा ठीक कर देंगे, ये बाबा का सख्त आदेश है। आज अतीक फूट फूट के रो रहा है, उस दिन जिस दिन उमेश पाल को मारा गया था उस दिन कुछ क्यों नहीं बोला मीडिया के आगे? उस दिन तो उसके बल्ले बल्ले थे, वही करवाया, उसकी बीबी बीबी पैसा दी थी, हथियार दी थी, सब सब ये इसके घर में योजना बनाया गया था। किसको ठेंगा दिखाया गया? वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ठेंगा दिखाया गया, उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को ठेंगा दिखाया गया। हाँ हाँ, उठाएगी, वो वीडियो बना बना डाल रही थी। आज आ जाओ सामने, आ जाओ, बाबा है, ठीक कर देंगे। ये इतने फिर वही समझ रहे थे भैया, जो मर्जी हो, जो चाहे वो कर ले, जो जो जिधर जिसको चाहे वो मार दें। असल बात सिस्टम देखिए, सही बात यह है कि यह समझ रहे थे कि पुराना वाला सिस्टम है, माल के बल पे काम चल जाएगा। 1500 करोड़ रुपए का मालिक था ये, पैसे की कोई कमी नहीं थी, गुजरात तक पैसा, महाराष्ट्र तक पैसा, देश के कोने कोने में संपत्ति बना रखे हैं। किसका लूटा गया है? उत्तर प्रदेश का।